We were discussing the system approach to management development, जिसमें four different stages थी. उनमें से first two stages हमने previous session में पढ़ी हैं, तो इस session में हम जो remaining two phases हैं उनको discuss करेंगे. After identifying the gap between desired behavior of the manager and the current behavior of manager, हमने क्या किया था? सबसे पहले यही देखा था कि हमारा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है एक मैनेजर से वो क्या है और उसका करंट बिहेवियर कैसा है, और उसमें जो गैप था उसको फिल करने के लिए हमने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है वो प्लान किया. जिस तरह की डेफिशिएंसी स्किल के हवाले से, एबिलिटीज़ के हवाले से मैनेजर्स में थी, उसी की बेस पे हमने एक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट किया, और उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि किस तरह का आपका ट्रेनर होना चाहिए और किस टाइप किस तरह से आपकी जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वो आप कैसे सेट करते हैं. उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए आपने पूरा प्लान तैयार करना है कि क्या कोर्स पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से टेस्टिंग होगी, कि वेदर द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज इंश्योर्ड और नॉट वाया मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम. नाउ द थर्ड स्टेज इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम. गैप आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने प्लान भी कर लिया कि किस तरह का मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो जो एक्सपेक्टेड लेवल हम मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है. तो अब हमने थर्ड स्टेज में सिस्टम अप्रोच के अंदर थर्ड स्टेज में वही वाला जो प्लान्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना है. फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी. वंस द ऑपरेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, ट्रेनर्स मस्ट बी रिक्रूटेड, ट्रेनिंग एड्स असेंबल्ड एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैरिड आउट. अब आपने ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर लिए थे और उसके लिए आपने ठीक है पूरी प्लानिंग कर ली फुल फ्लैश की किस तरह का मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, कौन सी स्किल्स उसके अंदर सिखाई जानी चाहिए. अपनी तरफ से आपने जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर, उसके बेस पे या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो फिजिबिलिटी है वो आपने अपनी कैपेसिटी की बेस पे अपना जो आप बजट एलोकेट कर सकते थे इस प्रोग्राम के लिए उसके बेस पे आपने एक फीजेबल मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बना लिया, उसको प्लान कर लिया. नाउ द टाइम इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. उसके लिए ऑफ कोर्स वी नीड अ ट्रेनर जो कि वो स्किल डेफिशिएंसी को जो है वो ओवरकम करेगा, या हमारे मैनेजर्स को जिस तरह की स्किल रिक्वायर्ड है उस तरह की स्किल उसको सिखा पाएगा. और ये बहुत एक क्रिटिकल स्टेज होती है जिसके अंदर आप अगर तो इन अप्रोप्रिएट ट्रेनर को हायर कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट आपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पे एलोकेट की है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि दैट पर्टिकुलर ट्रेनर माइट बी नॉट एक्सपर्ट इनफ के जो स्किल गैप है वो उसको फुलफिल कर सके. उसकी स्किल्स अगर तो डिफरेंट तरह की हों, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि अगर तो ऑपरेशनल मैनेजर है तो ऑफ कोर्स उसके बिजनेस ऑपरेशंस के हवाले से उसकी स्किल डेफिशिएंसी होगी जिसको फिल करने के लिए एक एक्सपर्ट ऑपरेशंस में चाहिए होगा, एक ऑपरेशनल एक्सपर्ट एज अ ट्रेनर चाहिए होगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू हायर समवन जो कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में इवन वो प्रोफेसर है, तो उसका एकेडेमिया है वो एकेडेमिया से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं कि वो एकेडेमिक नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकता है इंस्टेड ऑफ कि वो उसको प्रॉपर प्रैक्टिकली बताए कि कैसे किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है और उसमें स्किल को प्रॉपर वे में वो ट्रांसफ़र कर सके या सिखा पाए आपके मैनेजर्स को. इसी तरह से किसी और प्रोडक्शन सपोज है तो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए देयर मस्ट बी समवन जो कि एक्सपर्ट होगा प्रोडक्शन में, वो सूटेबल ट्रेनर होगा
उस तरह की स्किल डेवलप करने के लिए इन योर प्रोडक्शन मैनेजर। इसी तरह से मार्केटिंग मैनेजर है, अगर उसकी कोई स्किल डेफिशिएंसी है जिसको इम्प्रूव करने के लिए आपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्लान किया है और फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ आ रहे हैं, तो यू नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव टू फाइंड आउट अ वेल नोन अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट इन मार्केटिंग फील्ड जिसका एक वास्ट एक्सपीरियंस हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसने प्रैक्टिकली काम किया हो, या अगर उसने कोई भी प्रोजेक्ट है वो प्लान किया है, तो दैट शुडंट बी लिमिटेड टू दी डॉक्यूमेंट्स ओनली। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ना हो, जैसे प्रोफेसर्स या एकेडमिक्स में यूजली जिस तरह से रिसर्च की जाती है या इनोवेटिव वेज फाइंड आउट किए जाते हैं, वो बेसिकली एक प्लान होता है। तो प्लान को जब एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रियलिटी है वो रियल एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सम हाउ और दी अदर इट इज़ पॉसिबल कि जैसा आपने प्लान किया होता है उसमें अगर आप 100% लर्निंग आउटकम आपका बन रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा व्हेन यू विल इम्प्लीमेंट दैट प्लान्ड मटेरियल, तो वो आपकी हो सकता है अप टू 65% or 70% जो है आपको आउटकम दे रहा हो, तो 30% 35% आपका उसमें गैप आ जाएगा, उसमें आपका जो एक्चुअल और डिजायर्ड आउटपुट है उसमें गैप आ जाएगा। दैट मीन्स कि जिस तरह से आप प्लान करते हैं, इट डजेंट मीन कि आप अगर वेल प्लान प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो उसका आउटकम एग्जैक्टली वही होगा जो कि आपकी प्लानिंग का आउटकम है। प्लानिंग में रिस्क फैक्टर और तरह से आप हर मुमकिन कोशिश करते हुए कंसिडर तो करते हैं, लेकिन फिर भी देर आर फ्यू फैक्टर्स जो कि आप 100% उनको कंसिडर नहीं कर सकते, या उनके इन्फ्लुएंस को 100% आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से हमेशा प्लानिंग और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप रहता है। तो इसलिए आपका ट्रेनर भी ऐसा होना चाहिए जिसका वास्ट एक्सपीरियंस हो कॉर्पोरेट लेवल में, और वो भी प्योरली उसी फील्ड से रिलेटेड जिस फील्ड में आप अपने मैनेजर्स की स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। अभी ऐसे ही है कि यू गाइज आर स्टडिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स, तो इसके लिए अगर आपको मार्केटिंग का ट्रेनर या मार्केटिंग का टीचर या इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाएगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज एट एडवांस्ड लेवल, वो आपको वो वाली स्किल नहीं सिखा पाएगा। हाँ, बुकिश बातें वो कर लेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस तरह से वो भी शायद वो परफेक्टली आपको डिलीवर ना कर पाए, और प्रैक्टिकली तो उसका एक्सपीरियंस ही मार्केटिंग के हवाले से होगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रांसफर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज टू यू। तो इसलिए अप्रोप्रिएट और एक एक्सपर्ट ट्रेनर को रिक्रूट करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। साइड बाई साइड आपने ट्रेनर तो अच्छा चूज कर लिया, उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो होगी ट्रेनिंग एड्स असेंबल्ड, कि आपने जिस तरह की स्किल डेवलप करनी है अपने मैनेजर के अंदर, उस स्किल को आप किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस तरह से सिखा सकते हैं, उसमें जो आपको एड चाहिए होगी, जो टूल्स चाहिए होंगे, कोई मशीनरी है वो भी चाहिए होगी, हम ओवरऑल कह सकते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्टिंग एड चाहिए होगी अदर देन डिलीवर्ड नॉलेज, क्योंकि सिर्फ ज़बानी कलामी अगर बातें हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत लो परसेंटेज जो है लर्निंग की वो उसको इंश्योर कर रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन यू आर टीचिंग अबाउट अ स्किल टू योर मैनेजर, तो उस स्किल की प्रॉपर लर्निंग के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आप ऐसा सेटअप डिज़ाइन करें कि जिसमें वो अपनी लर्न नॉलेज को या जो लेक्चर से उसने सीखा उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे, और फिर देखे कि क्या जो उसने सीखा है वो 100% उसको अप्लाई कर पाया है या कि नहीं कर पाया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ट्रेनिंग एड्स जब आपके पास प्रॉपरली असेंबल्ड होंगी तो फिर
आप साथ साथ देख पाएंगे कि प्रैक्टिकल और जो लर्न नॉलेज है एक मैनेजर का, उसमें कितना गैप है। मैनेजर अगर लर्न अच्छी तरह से कर रहा है, सपोज आप अगर उसके रिटन क्विजेज या ओरल क्विजेज लेते हैं और उसके बाद उससे प्रैक्टिकली वही टास्क परफॉर्म करवाते हैं, तो हो सकता है उसने याद तो अच्छा किया हो, उसको सीखा तो अच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिकली उसको उस नॉलेज को वो कन्वर्ट ना कर पा रहा हो। तो उस नॉलेज के प्रैक्टिकल कन्वर्जन में कौन से एरर्स और ब्लंडर्स वो कमिट करता है, उसको साथ साथ मॉनिटर करना, साथ साथ उसको असेस करना और करेक्शन उसकी करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक ही दफ़ा उसको आपने सिलेबस करवा दिया और उसके बाद एक सिचुएशन हैंड ओवर कर दी टू लेट हिम एक्सपीरियंस द लर्न नॉलेज इन टू प्रैक्टिकल जो भी सिनेरियो होगा, तो उसमें ऑफ कोर्स चांसेस जो एरर के होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इसलिए व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें अपने मैनेजर को ऐसी सिचुएशंस आप प्रोवाइड करें कि वो एक्चुअली उनको हैंडल करें और उसमें उनके एरर्स को आप, उनके ब्लंडर्स को, उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करें और उसके लिए जो भी करेक्शन आप उनको रिकमेंड करें, फिर उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं कि उस करेक्शन के बाद क्या आउटपुट बेहतर हुआ या फिर नहीं हुआ और कितना बेहतर हुआ। इसी तरह से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको कैरी आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो ट्रेनर भी अच्छा है, ट्रेनिंग एड भी आपके पास प्रॉपरली असेंबल्ड है, बट जो आपने प्लान किया था एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको एज इट इज़ आप अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मतलब प्लान आपने कुछ और किया, एक्चुअली आप कुछ और कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो आउटकम आप परसीव कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इंश्योर नहीं हो पाएंगे, आउटकम उससे डिफरेंट होंगे, क्योंकि आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिकली नहीं करवा रहे हैं। द बिग प्रॉब्लम एट दिस स्टेज इज टू फाइंड द राइट ट्रेनर्स, दोज फेमिलियर बोथ विद देयर सब्जेक्ट मैटर एंड विद द सिस्टम्स अप्रोच इन द ट्रेनिंग फील्ड। अब सिस्टम अप्रोच का भी ट्रेनर को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता जब होगा कि ये फोर फेजेज हैं और इसके अंदर स्टेप बाई स्टेप क्या कुछ करना है, तो इट विल बी वेरी ईजियर टू एनालाइज द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और सब्जेक्ट के ऊपर ऑफ कोर्स उसको एक्सपर्ट होना ही होगा। अदरवाइज जो लर्निंग होगी फ्रॉम द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम वो कम्प्रोमाइज्ड होगी, फिर आप जिस प्रोग्राम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह की स्किल डेवलपमेंट अपने मैनेजर्स की करना चाह रहे हैं, वो ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगी। दे शुड फील इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोग्राम एंड कमिटमेंट टू द स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल्स। अब इसमें थर्ड स्टेज में जो आपके ट्रेनर्स हैं उनको प्रोग्राम के अंदर प्रॉपरली इन्वॉल्व और कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न के व्हेन ट्रेनर विल बी फुली इन्वॉल्व एंड कमिटेड टू द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट का जो पर्पस होगा, जो गोल होगा, जिस तरह की स्किल डेफिशिएंसी पे काम करने के लिए वो डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया और जिस तरह के का आउटपुट उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एंड में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको इंश्योर करना ज़रूरी होगा, और वो तभी पॉसिबल है व्हेन द ट्रेनर विल बी फुली इन्वॉल्व्ड एंड कमिटेड। अगर वो प्रॉपरली इन्वॉल्व्ड नहीं होगा या वो मिसकमिटमेंट करेगा, कभी आके सपोज आपको जो है वो अगर उसने प्रैक्टिकल प्लस आपको लेक्चर मेथड दोनों तरह का उसने एक कमिटमेंट आपके साथ की है आपकी कंपनी के साथ, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर कुछ भी नहीं करवा पा रहा, तो वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड कि उसके कितने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होंगे, जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगी। इसी तरह से अगर वो फुली इन्वॉल्व नहीं है, उसने ठीक है एक सिचुएशन है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसने हैंड ओवर कर दी टू द मैनेजर and he is not monitoring the performance of the manager of the trainee, जो उससे learn कर रहा है वो किस तरह से knowledge को practically implement कर रहा है, अगर trainer उसको feedback time to time provide नहीं करेगा, उसकी performance को monitor नहीं करेगा,
दैट मीन्स कि वो फुली इन्वॉल्व नहीं है, उसको हर तरह से मेक श्योर करना पड़ेगा कि यस दीज आर दी आउटकम्स जो कि एक्सपेक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम से, आई हैव टू मेक श्योर कि यही आउटकम्स आए। इसी लेवल की लर्निंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजर्स के अंदर एक्सपेक्ट करती है, मुझे उसको इंश्योर करना है। मुझे एक्चुअली वही लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो ट्रांसफ़र करना है मैनेजर्स। ये जब ट्रेनर इन्वॉल्व और कमिटेड होगा तब ही एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के गोल्स अचीव हो पाते हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर तो सिर्फ उसको ये हो कि मुझे पेमेंट मिल गई है और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक जो ग्रुप ऑफ मैनेजर्स है मुझे हैंड ओवर कर दिया गया, दैट्स इट, नाउ इट्स माई चॉइस वट टू डू विद द ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, तो फिर वो अपनी रेपुटेशन भी ख़राब कर रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का तो लॉस वो कर ही रहा है। Selection of such committed trainers possessing the ability to develop and use the best combination of training methods to assure the required managerial behavior is a major challenge. जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपसे बात की कि ये बहुत बड़ा एक सरदर्द होता है टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रेनर, जिस तरह की स्किल आपने जो डेफिशिएंसी है स्किल की उसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अप्रोप्रिएट वेल नोन वेल ट्रेंड और एक्सपर्ट ट्रेनर आपको मिलना जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उस सारा आपकी जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका दारोमदार उस सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर के ऊपर होती है। और अगर आपने गलती से गलत ट्रेनर को हायर कर लिया तो आपकी ट्रेनिंग सारी ज़ाया होगी, आपका वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी, उल्टा आपने टाइम भी वेस्ट किया, आपने मैनेजर्स को भी खजल खार किया और आउटकम इज ज़ीरो। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द राइट पर्सन एज अ ट्रेनर। कमिटमेंट तो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं एक्सपर्ट होते हैं अपने एरिया में, उनकी एक गुडविल बनी होती है, सो दे आर मोर कमिटेड टू देयर टास्क। Then the fourth stage in system approach is the evaluation and feedback. Har process management mein, organization mein, business mein, jitne bhi processes padte hain, this is the most important and most critical stage in any process. Ke aapne planning kar li, aapne need bhi identify kar li, प्लानिंग भी कर ली, एग्जीक्यूशन भी कर लिया, इन्वेस्ट भी कर दिया, अब आर यू एबल टू गेट दोज आउटकम्स जो कि आपने प्लान किए थे, जो कि आपके डिज़ायर्ड चेंजेस थी या कि नहीं हुई हैं? तो ये अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका रिजल्ट क्या बना? क्या आपने स्किल डेफिशिएंसी पे काम किया, उसको कवर अप करने की कोशिश जो थी आपकी वो कामयाब हुई या कि नाकाम हुई? The last stage of the development process consists of evaluation and feedback, of comparing changes achieved with the changes desired. अब यहाँ पे जो हम शुरू में पहले एक gap analysis कर रहे थे, यहाँ पे fourth stage में भी basically gap analysis है। वहाँ पे skill deficiency को identify कर रहे थे, यहाँ पे आप जो आपके desired outcomes थे या जो changes आप अपने managers के अंदर चाह रहे थे वर्सेस जो एक्चुअली उनके अंदर चेंजेस आई उनका कंपैरिजन करके दोबारा से गैप को आइडेंटिफाई करेंगे। अब जितना ज़्यादा गैप होगा दैट मींस आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इफेक्टिव नहीं रहा। इन शॉर्ट आपका जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सारे का सारा एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज था। लेकिन जितना कम गैप होगा दैट मींस हाउ एवर यू प्लान द मैनेजमेंट डिवेलपमेंट प्रोग्राम आपने उसको बड़ा सक्सेसफुली कंडक्ट किया और जो चेंजेस आप डिज़ायर करते थे या एक्सपेक्ट करते थे अपने मैनेजर्स के बिहेवियर्स के अंदर या स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस रिक्वायर कर रहे थे वो अचीव हो गई, क्योंकि करंटली वट एवर दे हैव लर्न इन मैनेजमेंट डिवेलपमेंट प्रोग्राम दैट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दी desired changes या जो expectation थी organization की after attending the management development program, वो अपने manager से क्या expect करते थे। तो
तो जितना कम गैप होगा उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम, अदरवाइज वो इनइफेक्टिव हो जाएगा. एक्सप्लेनेटरी डेटा एंड रिकमेंडेशंस शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्टाफ एंड ट्रांसमिटेड टू द क्लाइंट सिस्टम एंड टू टॉप मैनेजमेंट. अब इसमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जिन्होंने अटेंड किया है दे कैन टेल बेटर के हाउ वाज द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ओवरऑल, उनको सीखने के लिए, क्योंकि शुरू में उनको भी बताया जाता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है या व्हाट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑल अबाउट, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है. तो उसके बाद फिर ऑफकोर्स उसमें ओवरव्यू दिया जाता है कि आपको किस तरह से जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो करवाई जाएगी. तो उसमें फीडबैक के लिए अप्रोप्रिएट जो हम कह सकते हैं ऑडियंस हैं वो वही मैनेजर्स होंगे हु हैव बीन अटेंडिंग द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम. वो बता सकते हैं कि जो उन्होंने ट्रेनिंग एड यूज़ की वो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था, इफेक्टिव था या इनइफेक्टिव था, स्मूथली सारा काम हो गया या कि नहीं हो पाया, और इसके अलावा जो ट्रेनर था वो कैसा था, एक्सपर्ट था, और जो कमिटमेंट उसने शो की थी प्रैक्टिकल प्लस लेक्चर, उसने वही काम किया या कि नहीं किया, या वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर पा रहा था या कि नहीं कर रहा था. ये ऐसे ही है जैसे स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आफ्टर रीडिंग आप कह सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर वो बता सकते हैं कि टीचर के बारे में कि ये टीचर ओवरऑल कैसा था, और उसमें फिर रिकमेंड भी करता है कि इसके अंदर क्या चेंजेस लानी चाहिए टीचर को एज अ टीचर, या कि नहीं लानी चाहिए, कौन से अच्छे पॉइंट्स से कौन से बुरे पॉइंट्स से, और कुछ इसके अलावा जो आपको लगता है कि एक अच्छे टीचर को करना चाहिए, यू कैन रिकमेंड एज वेल. तो इसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक्सप्लेनेटरी डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, रिकमेंड कर रहे होते हैं मैनेजमेंट को, सो दैट मैनेजमेंट नेक्स्ट टाइम क्या करे कि ऐसे प्रोग्राम डेवलप करते हुए, प्लान करते हुए, वो जो पिछले मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक ड्रॉबैक्स थे उनको वो ओवरकम कर सके, तो ज़्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगी उसको बना सके, उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके. इसलिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्टाफ से डाटा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. प्लस आपने मैनेजर से तो डाटा लिया है, उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे भी डाटा लेना ज़रूरी है, जिनको आपने एज अ ट्रेनी भेजा हुआ था मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, उनकी अथॉरिटीज से पूछें कि वेदर द पर्सन इज एबल टू ट्रांसफ़र द लर्निंग इन टू द प्रैक्टिकल टास्क और नॉट, जो उसकी एक्चुअल जॉब है. आपको याद होगा कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट द स्किल डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स, और इसी पर्पस के लिए पूरा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था. तो अथॉरिटीज से पूछा जाएगा कि क्या वो इफेक्टिवली अपनी लर्न नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पा रहे हैं या कि नहीं, या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से वो मीट हो पाया या कि नहीं. इनफैक्ट मेजरमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स शुड बी कैरिड आउट कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग at the completion of the training and subsequent to the training to determine whether the changes persist. अब training के दौरान जब transfer of learning हो रहा है, जब skill develop की जा रही है, उस दौरान भी evaluation होनी चाहिए. फिर once the training or the management development program is completed, तो उसके बाद भी देखें कि overall कितना क्या percentage रही है learning की, मैनेजर्स की स्किल्स डेवलप हुई या कि नहीं हुई. जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स थे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो कंप्लीट हो पाए, अचीव हो पाए या कि नहीं. साइड बाय साइड क्या वो जो चेंज था वो टेम्परेरीली था या कि वो परसिस्टेंट बेसिस पे जो मैनेजर्स हैं वो उसको अप्लाई कर रहे हैं. आपको याद होगा हमने पहले भी डिस्कशंस की और यही पढ़ा कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैनेजर तो अपनी स्किल डेवलप करता ही है,
लेकिन साइड बाय साइड जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है अपनी एक्चुअल ड्यूटीज को परफॉर्म करने के साथ साथ, उससे ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू में ही कमिटमेंट ली होती है कि ही विल अप्लाई दैट लर्न नॉलेज इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को भी सिखाएगा। और वो जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है मैनेजमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आपने मैनेजर के अंदर स्किल डेवलप करवाई, अब वो मैनेजर की ड्यूटी बन चुकी है कि वो अपने जूनियर्स के अंदर भी वो स्किल ट्रांसफ़र करे। तो अगर तो वो मुसलसल ये ट्रांसफ़र किए जा रहा है अपनी स्किल को, दैट मीन्स के उसका जो चेंज है दैट इज़ परसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि वन टाइम में उसने स्किल को इम्प्लीमेंट किया, एक जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया अपनी, और उसके बाद ही इज़ अगेन ऑन द सेम ट्रैक जैसे वो ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करने से पहले था। तो इट मेक्स नो सेंस। ये ऐसे ही है फिर कि अगर वन टाइम या ट्वाइस या थ्राइस उसने स्किल को यूज़ करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया और उसके बाद उसकी लर्निंग वहीं पर ठप हो गई। अगर तो ऐसा है तो आपका जो मैनेजमेंट लर्निंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेजेस थी। आपने गैप को आइडेंटिफाई करना है, जो एक्चुअल करंट बिहेवियर है मैनेजर का और जो डिज़ायर्ड या एक्सपेक्टेड बिहेवियर आप अपने मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने प्लान करना है या प्रिपेयर करना है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को टू फुलफिल दैट आइडेंटिफाइड गैप। उसके बाद आपने थर्ड स्टेज पे इसको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फाइनली इवेलुएट करना है, और ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम इसी इवेलुएशन और फीडबैक की बेस पे आप अपने जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी क्वालिटी और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं।